नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज 21। उपचार कराने पहुंचे पीड़ित पति पर दलित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दर्ज कराई गई मारपीट की रिपोर्ट मामले को झूठा बताते हुए पीड़ित पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले मैनपुरी के कुरावली CHC पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुनेन्द्र सिंह द्वारा महिला मरीज के पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। महिला का आरोप है कि मामले में राजनीति की धमक दिखाते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने दलित स्वास्थ्य कर्मी को मोहरा बनाते हुए झूठा मारपीट का मुकदमा उसके पति पर दर्ज करा दिया है। महिला ने बताया कि उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जैसे ही इसकी जानकारी महिला को हुई, महिला गंभीर हालत में ही पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने पहुंची, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं महिला ने क्या कुछ कहा, आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। हॉस्पिटल में अपने पति के साथ इलाज कराने, तो फोन पे फोन उनके आए जा रहे, उनकी सुने जा रहे, मेरी सुनी नहीं। तो मेरे पति ने बोला कि मेरी पत्नी की बहुत तबीयत खराब है, तो पहले हमारी सुनवाई लो। तो उन्होंने सुनवाई नहीं ली, गला दाब दिया, कालर पकड़ के उनको मारपीट की, बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल के फिर पुलिस बुला ली, पुलिस को फिर बुला के उन्होंने थाने में भिजवा दिया। थाने में भिजवा के फिर मारपीट किसने की थी? मारपीट उसने की थी डॉक्टर ने, क्या चौहान सिंह ने। अच्छा। चौहान डॉक्टर ने। फिर मैं घर पे गई, मेरे कोई इलाज नहीं किया। फिर मैं घर पे गई, मैंने की गांव पड़ोस ने बताई कि तुम्हारे पति तो गोया ऐसे ऐसे कुरावली जेल चले गए कि वो उनके साथ मुकदमा लिखा दिया। तो मैं कोशिश करके फिर मैं भागी यहाँ मैनपुरी। फिर मैनपुरी यहाँ मैं SP साहब से मिलने। क्या कहा SP साहब ने? उन्होंने कहा कि उसकी किसी ने दो चार लोग आए होंगे, सिका बुझा दिया होगा, तो इसलिए यहाँ आ गई वो करने के लिए। उन्होंने कोई अभी सुनवाई नहीं की है।